दोस्तों एक गाड़ी जिसने आते ही पूरी ऑटो इंडस्ट्री में हलचल पैदा कर दी है, और उसका रीज़न है आप देख भी सकते हैं, यानी कि जून महीने की जो सेल हुई थी दोस्तों, मैं बात करता हूँ अभी तक की सबसे मोस्ट बिकने वाली गाड़ी यानी कि ब्रेज़ा की। जून महीने के अंदर ही अगर हम कंपेयर कर लेते हैं वेन्यू और ब्रेज़ा के बारे में, तो ब्रेज़ा और इसके अंदर सिर्फ 108 यूनिट्स का ही फ़र्क बचा है। जी हाँ दोस्तों, मेरे पीछे खड़ी हुई है आपकी वेन्यू, जो मैं आप देख भी सकते हैं, और आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता क्या क्या है, बाहर से अंदर से सारी सभी तरह से। आइए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए वाई ट्यूब टेक्नो को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों इस गाड़ी की जो सबसे बड़ी जान लगती है वो है इसकी ग्रिल, यानी कि आप देखिए ये ग्रिल जो है ये इस गाड़ी को बहुत आगे से एक्सयूवी डिज़ाइन तो बनाती है, साथ में इसको एक प्रीमियम लुक भी देती है। प्रीमियम लुक के साथ साथ होने के इसके अंदर एक फुल्ली लोडेड गाड़ी आपको मिलती है अगर आप इसका एक अच्छा वेरिएंट खरीदते हैं। दोस्तों साथ में मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी अदर चीज़ें। देखिए यहाँ पर आपको मिलता है इसमें ग्लास होल्डर, यहाँ पर भी आपको दो ग्लास होल्डर यहाँ मिल जाएंगे, आप रख सकते हैं अपनी बॉटल्स, और उस तरफ भी एक बॉटल वाटर बॉटल रख सकते हैं। छोटे छोटे चीज़ों का बहुत ध्यान रखा गया है इस गाड़ी के अंदर, जैसे कि आप कॉइन्स वगैरह यहाँ रख सकते हैं, आपका मोबाइल्स वगैरह वहाँ रख देंगे। साथ में दोस्तों वहीं पर आपको मिल जाते हैं यूएसबी केबल्स वगैरह, जो कुछ भी आपको उसके अंदर लगाना है वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। साथ में 12 वोल्ट का अडाप्टर भी आपको उसमें मिलता है दोस्तों। साथ में आपको मिल जाता है इसमें 6 गियर ऑप्शन, यानी कि ये 6 गियर ऑप्शन है दोस्तों, और साथ में आपको ये मिलता है सामान रखने के लिए, यानी कि आप इसके अंदर भी अपना बहुत सारा सामान रख सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गई बात आगे से, साथ में एक चीज और मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये जो है आपको यहां मिलते हैं ट्यूटर्स, यानी कि गाड़ी में फुल्ली लोडेड ट्यूटर भी आपको मिल जाएंगे, जिसको आपको बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीछे से अगर आप देखते हैं तो पीछे भी इसमें एसी वेंट दिया गया है, आप देख लीजिए पीछे भी एसी वेंट दिया गया है। वाटर बॉटल्स जो है होल्डर आपको यहाँ पे भी मिलेंगे, यहाँ पे भी आप एक एक लीटर की बॉटल्स आराम से इस गाड़ी के अंदर रख सकते हैं। तो दोस्तों बात कर लूँ इसकी, स्मूथनेस बहुत ज़्यादा है भाई गाड़ी के अंदर। मैं जैसे अभी इस वक्त 40 की स्पीड पे एक बार कोशिश की है कि चौथा गियर डाल के देख लूँ, तो दोस्तों कहीं तक भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथली गाड़ी उठ गई। अगर मैं इसको विदाउट एनी एक्सेलेरेशन भी पहले गियर में उठा रहा हूँ, तो दोस्तों विदाउट एनी जो होता है ना हेजिटेशन होती है गाड़ी के अंदर उठते वक्त, धड़धड़ाहट होती है, तो वो धड़धड़ाहट नहीं है। और पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों ये गाड़ी है 1 लीटर टर्बो इंजन चार्ज है, यानी कि एक नया इंजन जो है हुंडई ने निकाला था वेन्यू के लिए, बहुत ही पावरफुल है। आप दबाएंगे, मैंने जैसे इसको फर्स्ट सेकंड गियर के अंदर काफ़ी लंबा जैसे थ्रोटल दिया, तो ये बिल्कुल सेम उसी रफ्तार से निकली जिस रफ्तार से स्विफ्ट निकलती है। अब देखिए मैंने अभी इसको सिर्फ थ्रोटल दिया, अगर मैं आपको मीटर दिखाऊंगा तो यकीन मानिए आप डेफिनेटली होना सरप्राइज की किस तरीके से इसका जो सुई है वो उठ रही है, यानी कि आप पावर का आप उसी से अंदाजा इसका लगा सकते हैं। उसकी पावर आप देख सकते हैं फिलहाल कितनी जबरदस्त तरीके से गाड़ी निकलकर चलती है। तो यहाँ दोस्तों पावर के मामले में 1.0 का लीटर का इंजन है, लेकिन इतना होते हुए भी गाड़ी के अंदर पावर कहीं कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि 1 लीटर इंजन अगर मारुति की बात करें तो दोस्तों मारुति के अंदर तो बिल्कुल भी पावर नाम की चीज ही नहीं है। 1 लीटर इंजन यानी कि वो तो नॉर्मल गाड़ी वाला इंजन उन्होंने दे दिया, टर्बो इंजन की खास तो आपको इस गाड़ी को चलाने के बाद महसूस हो जाएगी कि आखिर ये गाड़ी कितनी पावर से निकलती है। अब आप देखिए जरा, आप सुई से ही इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेजी से निकल के चेंज हुई है गाड़ी, और किसी तरह की आवाज नहीं है गाड़ी में, साउंड नहीं है। तो आप पावर का भाई, पावर के मामले में तो दोस्तों मेरी पहली पसंद बन गई गाड़ी, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे फर्स्ट क्लास गाड़ी में समझता हूँ दोस्तों। दूसरी चीज है मैं आपको बता दूं, ये जो सबसे टॉप मॉडल है जो ऑप्शनल आता है इसका, उससे नीचे वाला मॉडल है। अब आपको बहुत चीजें बताई गई हैं नेट पे कि आपको इसके अंदर ब्लू लिंक सपोर्ट मिलता है, आपको पुश बटन स्टार्ट मिलता है। तो दोस्तों मैं यहाँ थोड़ी सी चीजें आपको क्लियर कर देता हूँ कि पुश बटन स्टार्ट और ब्लू लिंक वो आपको सिर्फ मिलता है टॉप मॉडल यानी कि ऑप्शनल मॉडल के अंदर, क्योंकि अब इसके अंदर एक चीज और है दोस्तों, पहली बात कि ऑप्शनल अगर आप ब्लू लिंक सपोर्ट को लेते हैं तो उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आई हुई हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं? वो प्रॉब्लम्स हैं कि उसके अंदर दिया है आइडिया का सिम। अब आइडिया का सिम दे तो दिया, आइडिया की सर्विसेज इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। अब उससे क्या है, अगर आपकी गाड़ी खड़ी हुई है अंडरग्राउंड में और आप अपने घर से उसको सिग्नल भेजते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, तो वो पहुंचता ही नहीं है क्योंकि सिग्नल ही अच्छे नहीं। जहां तक मैं समझता हूं इसके अंदर देना चाहिए था एयरटेल का सिम। एयरटेल का सिम देने के बाद में 4G 5G कनेक्टिविटी के साथ ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकती थी टॉप मॉडल, यानी कि मैं ब्लू लिंक सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। फिलहाल के लिए भी ये गाड़ी बहुत अच्छा है दोस्तों। पहली बात
मैंने एक चीज नोट की है, इस गाड़ी के अंदर ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है जो आप ये समझे कि इसके अंदर आपको नहीं मिलता। आपको भर भर के ऑप्शंस दिए, हुंडई की गाड़ी है पहली बात तो आपको भर भर के ऑप्शन वैसे भी मिलने हैं, क्योंकि वो अपने ऑप्शंस पे इंजन के साथ साथ वो देने वाले जो फंक्शंस होते हैं उन पे भी बहुत ज्यादा फोकस करता है हुंडई। गाड़ी रोक लेता हूं, रोकने के बाद में आपको कुछ और दिलचस्प बातें इस गाड़ी के लिए बताता हूं। दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन बहुत बड़ी है, साथ में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आपको मैं दिखा दूंगा। सबसे बड़ी बात है दोस्तों क्या नहीं है इसकी आप डिस्प्ले में, आपको यहाँ पे टेम्परेचर भी बताएगा, पूरी तरह से गाड़ी आपकी कनेक्ट हो जाती है। इसमें सनरूफ दी गई है, इस बटन से आप इसकी सनरूफ को ऑटोमेटिकली ओपन कर सकते हैं, ओपन हो जाएगी बेस्ट, और सीधे सीधे आप इसको बंद करेंगे तो सनरूफ आपकी बंद हो जाती है। इसके अलग भी दोस्तों अगर आप इसको ऑटोमेटिकली चाहते हैं कि आपकी शीशा रहे, आप एसी चलाए, तो आप इसको मैनुअली भी और हटा सकते हैं। ये तो हो गई एक बात। साथ में आप देख लीजिए यहाँ पर आपको जो मिलता है वो मिलता है आपका मैनुअल जो है शीशा, यानी कि आपको नाइट मोड में आप इसको मैनुअली ही चेंज कर सकते हैं, मैनुअली चेंज से ही आप कर सकते हैं इसको। आप दोस्तों इसमें लाइट मिलती है ड्यूल, तो ये दोस्तों आपको मिलता है ब्लूटूथ माइक, माइक के साथ साथ आप ये सारे जो गाड़ी के हैं वो फंक्शंस हैं इसमें आपको मिल जाता है, शीशा मिरर, यानी कि आप जो भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस मॉडल के अंदर आपको मिलती है ड्यूल टोन डैशबोर्ड, यानी कि पूरा ब्लैक है और ये आपको थोड़ा ग्रेश मिलेगा पहली बात, तो थोड़ा कन्फ्यूजन मत रहिएगा कि ये पूरी तरीके से ब्लैक लग रहा है, तो ब्लैक नहीं है, थोड़ा ड्यूलिश है। साथ में आपका ये जो मीटर है आप देख सकते हैं यहाँ से, आप ये आपका बताता है एसी आपको कितना टेम्परेचर करना है, कितना नहीं करना, आप उसको कम कर सकते हैं, यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों एक बात। दूसरी चीज़ है आपका एसी ऑन ऑफ का बटन यहाँ पे है, बाहर की एयर अंदर की एयर ये भी आपको यहाँ मिलेगा। रियर आप यानी कि अगर आपका आपके जो पीछे के ग्लासेस हैं अगर 1% फोग है तो आप इनको बटन को दबाकर उसको ठीक कर सकते हैं, ये आगे का है यानी कि आप इसी तरह से आगे के शीशों को भी ठीक कर सकते हैं। एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, ये मिलती है आपको पेट्रोल में, डीजल में भी मिलती है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी आपको इसका मिलता है, आपको सनरूफ दिखा दिया है। दोस्तों अगर आपको गाड़ी अच्छी लगे तो जरूर आप एक बार इसको गाड़ी को खरीद लीजिए, अगर आपका बजट है तो आपको लगेगा कि हाँ गाड़ी बिल्कुल वर्थ है खरीदने के लिए। फुल्ली लोडेड गाड़ी है दोस्तों, क्या नहीं है इस गाड़ी के अंदर, यानी कि आपको एयरबैग्स भी मिलते हैं दोस्तों इस वाली गाड़ी के अंदर, यानी कि इस मॉडल के अंदर आपको ड्यूल एयरबैग मिलते हैं, लेकिन इसके ऊपर अगर आप जाते हैं तो वो आपका टॉप मॉडल हो जाता है जिसके अंदर ब्लूलिंक और सब कुछ मिल जाता है, पुश बटन स्टार्ट नहीं मिलता इस गाड़ी के अंदर, उसमें मिलेगा आपको सब कुछ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। कोशिश की है आपको इस पूरी वीडियो के अंदर आपको सभी कुछ दिखाने की, जो कुछ दिखाया जा सकता है गाड़ी के अंदर वो सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया है, बाहर से भी और अंदर से भी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में दोस्तों पानी जरूर बचाएं, पानी की एक एक बूंद कीमती है, उसको आज नहीं बचाएंगे तो कल हमारे बच्चों के लिए हम कुछ नहीं छोड़कर जा सकते। यकीन मानिए दोस्तों घर बार बिक जाते हैं लेकिन पानी की बूंद उतनी कीमती है कि वो आप उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। आप दूसरे देशों में जाकर देखिए जहां पानी के लिए लोग बाग तरस रहे हैं। चैनल पर बने रहिए, वीडियो को देखिए, पसंद कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। आप सभी के प्यार के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।